दोस्तों गुड एमसी निधि एमसी हर्बल इंडिया चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हम आईएमसी के एक बहुत बेहतरीन शानदार प्रोडक्ट के बारे में आप सभी को बेहतरीन जानकारी देंगे, जिसका नाम है आईएमसी श्री हल्दी। आईएमसी श्री हल्दी मार्केट की सभी हल्दियों से अलग क्यों है, इसमें क्या क्या है और इसका किन किन बीमारियों में प्रयोग किया जा सकता है, प्रयोग करने की विधि क्या है, और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें आईएमसी थ्री हल्दी को या किसी भी प्रकार की हल्दी का प्रयोग नहीं करवाना चाहिए, उसी के विषय में आज हम आप सभी को एक बेहतरीन जानकारी देंगे। सबसे पहले हम आपको आईएमसी थ्री हल्दी के जो इंग्रेडिएंट हैं, कौन कौन से चीज़ें इसमें डाली गई हैं, उसके बारे में आपको बता देंगे। आईएमसी श्री हल्दी में तीन प्रकार की हल्दियों का स्ट्रेक डाला गया है। सबसे पहले आमा हल्दी, दारू हल्दी, वन हल्दी, ये तीन प्रकार की मुख्यतः जो हल्दियां हैं वो इसमें डाली गई हैं। खास बात यह है कि इन तीनों हल्दियों के साथ में इसमें काली मिर्च का प्रयोग किया गया है, केसर का प्रयोग किया गया है और इसके साथ में दालचीनी का भी प्रयोग किया गया है। इस वजह से आईएमसी श्री हल्दी लाखों गुना अधिक किसी भी बीमारी में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। जो मार्केट की जितनी भी हल्दियां हैं उनसे लाख गुना अच्छा रिजल्ट ये आईएमसी की श्री हल्दी देती है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग किन किन बीमारियों में दिया जा सकता है। ये प्रॉपर्टीज सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे इसमें जो है आमा हल्दी डाला गया। आमा हल्दी क्या है कि आमा हल्दी में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। इस वजह से किसी भी प्रकार का अगर किसी को एंटी फंगल और बैक्टीरिया की कोई प्रॉब्लम हो, बैक्टीरिया से कोई इन्फेक्शन हो, तो आप उसमें इसको दे सकते हैं। दूसरी बात इसमें डाला गया है दारू हल्दी। दारू हल्दी का प्रयोग आप सबसे अधिक किसी भी महिला को अगर ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है तो उसमें दे सकते हो। लीवर की किसी की अगर किसी भी प्रकार की लीवर की समस्या है तो उसको इसमें उसको दे सकते हो इस आईएमसी श्री हल्दी को। उसके बाद इसमें जो है दारू हल्दी के बाद में वन हल्दी डाला गया है। वन हल्दी जो होती है इसमें ऐसी कुछ खास प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो महिलाओं में यूटीआई की जो प्रॉब्लम होती है उसमें इसका बहुत खास अच्छा जो है रिजल्ट देखने को मिला है। आपको बता दें श्री हल्दी में जो वन हल्दी डाली गई है, वन हल्दी का विशेष तौर से जो मुख्यतः प्रयोग किया जाता है वो एंटी ओबेसिटी की जो प्रॉब्लम होती है, जैसे जिसको किसी को भी अगर वेट लॉस करना है, वेट अधिक है, वजन अधिक है, मोटापा अधिक है, तो उसमें इसको दिया जा सकता है। अगर किसी को मधुमेह है, इंसुलिन का प्रोडक्शन इधर उधर है, ज़्यादा होता है कम होता है, तो आईएमसी श्री हल्दी आप उसको प्रयोग करवा सकते हैं। आपको बता दें कि आईएमसी श्री हल्दी के साथ में इसमें केसर भी डाला गया है। अगर किसी हल्दी में केसर डाल दिया जाए तो वैसे भी इसकी कार्य करने की जो क्षमता होती है बॉडी पे बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। आपको बता दें कि जो श्री हल्दी है, श्री हल्दी के साथ में हल्दी में एक सब्सटेंस पाया जाता है, उसका नाम है लिपोपॉलीसेचेरिड, जो सब्सटेंस है जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इम्यून सिस्टम को अगर मजबूत करता है तो उससे हमें सर्दी, बुखार, जुखाम, अनेक प्रकार की ये बीमारियां नहीं होती हैं। अगर हम करक्यूमिन की बात करें तो करक्यूमिन में एंटी कैंसर के गुण पाए जाते हैं। एंटी कैंसर के गुण होने के साथ में किसी को भी अगर कैंसर की प्रॉब्लम है आप उसको इसमें दे सकते हैं। और अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल लेवल की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसमें दे सकते हैं। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है उसमें आप दे सकते हैं। और आपको बता दें कि एंटी इन्फ्लामेंट्री गुण होने के साथ में अगर किसी को जोड़ों की प्रॉब्लम है, सूजन की समस्या है, तो आप उसको इस आईएमसी श्री हल्दी का प्रयोग करवा सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये हमें फ्री रेडिकल से बचाता है, हमारी डायमेज सेलों को बहुत तेज़ी से रिपेयर करता है एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण। अगर किसी को
जो है मान लीजिए कि एंटी कैंसर है, तो आप उसकी रिपेयर सेलों को रिपेयर करता है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि एंटी कैंसर में अगर किसी को अल्जाइमर की प्रॉब्लम होती है उसमें इसका प्रयोग करवाया जा सकता है। ब्रेन स्ट्रोक हो गया उसमें इसका प्रयोग करवाया जा सकता है। खास बात यह है कि एंटीसेप्टिक भी है ये। अगर एंटीसेप्टिक है तो एंटीसेप्टिक ये किसी भी प्रकार का आपको कहीं पे कट लग जाए, किसी भी प्रकार का आपका घाव हो जाए, जलन हो जाए, तो आप उस बीमारी में आप इसको प्रयोग करवाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमने बताया कि मधुमेह भी अगर किसी को इंसुलिन की प्रोडक्शन में दिक्कत है तो उसका प्रयोग आप करवा सकते हैं। अब पाचन संबंधी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, पाचन आपका गड़बड़ रहता है, तो उसमें आप जैसे मान लीजिए वोमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है, आपका पाचन क्रिया सही नहीं है, तो आप इसका प्रयोग करिए। और किसी भी पेशेंट को आप रिकमेंड कर सकते हैं। खास बात यह है कि ये एक पेन किलर है। अच्छा, किसी को मान लीजिए आपके पास कोई दवा नहीं है और आपके पास सिरी हल्दी पड़ी हुई है, किसी को दर्द हो रहा है पूरी बॉडी में, बॉडी के किसी भी पार्ट में कहीं कोई दर्द हो, आप इसको आयम से सिरी हल्दी को गुनगुने पानी या दूध के साथ में दे सकते हैं। प्रयोग करने की विधि है कि आप 4 से 6 ड्रॉप गुनगुने पानी के साथ में सुबह खाली पेट, शाम में खाना खाने के बाद में। वेट लॉस में दिया जा सकता है। किसी को जोड़ों की प्रॉब्लम है तो जोड़ों की प्रॉब्लम के लिए आप उसको शाम में खाने के बाद में 5 ड्रॉप आयम से श्री हल्दी दूध के साथ में, गुनगुने दूध के साथ में प्रयोग करवाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर किसी को लीवर की समस्या है तो आप उसको 3 से 4 ड्रॉप सुबह खाली पेट, शाम में खाने खाने के बाद में गुनगुने पानी के साथ में देने। हाँ, किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग नहीं करवाना है। अगर किसी को पित्त की पथरी है उसको इसका प्रयोग नहीं करवाना है। अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसको भी इस आईएमसी श्री हल्दी का प्रयोग नहीं करवाना है। कोई महिला अपने बच्चों को स्तनपान करा रही है तो उसको भी इसका प्रयोग नहीं करवाना है। और किसी को अगर पीलिया की समस्या है तो उसको भी हल्दी का प्रयोग आपको नहीं करवाना है। और जैसे कि इतनी बेहतरीन जानकारी मैंने आप सभी को दी, अगर आपको मेरी ये जानकारी आईएमसी श्री हल्दी की पसंद आए तो निधि आईएमसी हर्बल इंडिया चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। गुड आईएमसी दोस्तों, धन्यवाद।